Hello, students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge of automobile engineering from Sri Vaishnaval College, Indore, welcomes you all third semester automobile engineering students in the subject BME1. And our module is Engineering Materials, Engineering Padarth. And our today's topic is non ferrous metals. You can see from here this picture that these are the metals.

एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कक्षा के अंत में ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दिए गए अलोह धातु नॉन फेरस मीन्स अलोह धातु एवं उनकी मिश्र धातुस के महत्वपूर्ण गुण एवं विशिष्ट उपयोगों का वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे रिकेप इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन और स्टडीड कंसेप्ट ऑफ प्योर मेटल एंड अलॉयस शुद्ध धातु एवं मिश्र धातु की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन स्टील एवं ढल्बा लोहे की संकल्पना फेरस मेटल्स लोह धातु हैं जिसमें हमने देखा था स्टील कास्ट आयरन और रॉट आयरन एंड टुडे वी विल सी वी विल स्टडी नॉन फेरस मेटल्स या अलोह धातु हैं सो so, लेट्स स्टार्ट क्लास इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी इस भाग में हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मेटल्स सो देर इज अ लिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटल कॉपर एल्यूमिनियम निकल टिन मैग्नीशियम क्रोमियम जिंक लेड सिल्वर टाइटेनियम प्लेटिनम एंड देयर अलॉय देन वी विल समर क्लास विद द समरी असाइनमेंट एंड सजेस्टेड रीडिंग पठन के सुझाव के साथ शन नॉन फेरस मेटल्स अलाउस डू नॉट कंटेन आयरन आप लोगों ने पढ़ा था फेरस मेटल्स कंटेंस आयरन जैसे स्टील कास्ट आयरन या रॉट आयरन तो यहाँ पर ये जो अलोह धातु हैं नॉन फेरस मेटल्स हैं इनमें लोहा नहीं होता है. पहली खास बात यह है नॉन फेरस मेटल्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ड्यू टू देयर यूजफुल प्रॉपर्टीज सेम का सेम पॉइंट फेरस में भी था बट धातु का उपयोग भी उपयोगी गुणों का कारण ही इंजीनियरिंग उद्योगों में व्यापक रूप से होता है ये सेकेंड पॉइंट दोनों में कॉमन है फेरस एंड नॉन फेरस द कॉमन यूज नॉन फेरस मेटल्स आर कॉपर हिंदी में बोलते हैं तांबा और फार्मूला है सी यू केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही बोलते हैं और ए एल फार्मूला है निकल एन आई फार्मूला होता है केमिस्ट्री में टिन के लिए होता है एस एन और मैग्नीशियम के लिए होता है एम और क्रोमियम के लिए होता है सी जिंक के लिए Zn लेड के लिए पी सिल्वर या चांदी के लिए टाइटेनियम के लिए टी आई प्लेटिनम के लिए पी टी तो हम इन्हीं मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉपर तांबा या सी यू इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर शीट्स एंड ट्यूब्स तो जो हमारे तार हैं चादरें हैं या ट्यूब है नलिकाएं हैं इनके रूप में हमको ताबा उपलब्ध होता है इसके गुण है खास एक्सलेंट करोजन जंग प्रतिरोधी नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अचंबकीय गुण डक्टाइल एंड डेवल तन्य एवं आघाध वर्धनीय हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा उपयोग होता है बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल एज रेटर्स वगैरह में होता है थर्मल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस टू फटिंग एंड एब्रेजन श्रांति एवं रगड़ प्रतिरोधी है इट कैन बी सोल्डर्ड ब्रास्ड और बेल्डेड इसकी सोल्डरिंग भी की जा सकती है ब्रेजिंग भी की सकती है और बेल्डिंग भी की जा सकती है साथ साथ में इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी आसानी से इसको मशीनिंग की जा सकती है इसके उपयोग होते हैं अलॉयज़ में इलेक्ट्रिकल गुड्स विद्युत उत्पाद यूटेंसिल्स बर्तनों में हीट एक्सचेंजर्स उष्मा आदि में यहां पर देखिएगा आप कि इम्पोर्टेंट चीज है अलाइज़ की बात करी थी हमने कॉपर के अलाइज़ में हम जो इन जनरल अपने उसमें यूज करते हैं बर्तनों में आप देखते हैं पीतल के बर्तन या जिसको बोलते हैं ब्रास तो यहां पर ब्रास की बात यदि हम करें पीतल और एक हम यूज करते हैं कासा जिसको बोलते हैं हम ब्रांच ब्रांच दो प्रकार के हैं फास्फर या टिन ब्रांच या कांसा एल्यूमिनियम या ब्रांच कांसा जबकि ब्रास है पीतल मुंडस और येलो मेटल है पीली धातु और गन मेटल जिसको हम तोप धातु कहते हैं ये अलॉयज जो बनते हैं इसके बारे में देखें कि यदि जिंक के साथ बनता है परसेंटेज भी दिया है सेवेंटी परसेंट कॉपर थर्टी परसेंट जिंक के साथ मिलकर के बनाता है ब्रास और 60 परसेंट कॉपर 40 परसेंट जिंक के साथ मिलकर के बनाता है, से है येलो मेटल्स ब्रास वायर ट्यूब्स स्प्रिंग्स यूटेंसिल्स में यूज होता है जबकि ये है ट्यूब्स में या कास्ट में यूज होती है गन मेटल में यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक के साथ टिन भी आ जाता है अब यहाँ पर टिन शुरू हुआ है गन मेटल से एस एन जिसको ने लिखा टिन 88 एट परसेंट कापर एट परसेंट टिन और 4 परसेंट जिंक मिलकर के बनाते हैं गन मेटल जो बियरिंग्स में यूज़ किए जाते हैं गियर्स में हाइड्रोलिक बाल्ब्स में मेरीन कास्टिंग्स में फ़ासफर ब्रांच में यहाँ पर देखेंगे आप कापर का परसेंटेज एक बढ़ गया है एटी नाइन परसेंट हो गया टिक का बढ़ गया है टेन परसेंट हो गया और जो है फास्फोरस जो है वो वन परसेंट है ये पंप्स में यूज़ किया जाता है जबकि यदि फोर परसेंट आयरन मिला दिया जाए इसमें हालांकि ये आयरन मिलाने से ये फेरस मेटल नहीं हो जाएगा रहेगा नॉन फेरस ही एटी परसेंट कापर एलेवन परसेंट एल्यूमिनियम फोर परसेंट निकल एंड फोर परसेंट आयरन ये मिल करके एल्यूमिनियम ब्रांच बनाते हैं ब्रांच बेसिकली यदि हम बोला जाए तो उसमें टिन होना ज़रूरी है बट यहाँ पर टिन नहीं है एल्यूमिनियम है उस टिन की जगह पर तो इसलिए हम इसको एल्यूमिनियम ब्रांच कहते हैं ब्रांच यानी कांसा अब आप देखिएगा यहाँ पर जो एप्लीकेशनस है इसकी इनका ये फिगर बनाया गया है इन फिगर को देखें आप गौर से तो यहाँ पर आप पाएंगे रेडिएटर जहाँ पर ये कापर की ट्यूब्स लगी है ब्रश और ये यहाँ पर ये कापर की फिटिंग्स वगैरह देख रहे हैं आप जो कुछ है कापर या उसके अलॉयस इनके साथ में ये बनता है तो ये रहा हमारा कॉपर और उसके अलॉयस अब हम आते हैं एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम पे भी हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है ए एल ये आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं फिगर दिखा देता हूँ मैं ये हमारे कार का गेट है अंदर से ऊपर से कवर लगा रहता है तो ये काय का बना हुआ है एल्यूमिनियम का आजकल आप देखेंगे कि इसकी जगह फाइवर ने ले ली है बट ये एल्यूमिनियम का गेट आपको दिख जाएगा पुरानी गाड़ियाँ जब भी देखेंगे साथ साथ में ये देखिए आप पहले ये जो कास्ट आयरन की कास्टिंग हुआ करती थी या ट्रक या बस में कास्ट आयरन की होती है लेकिन जो हमारे फोर व्हीलर एल एम बी आ रहे हैं लाइट मोटर व्हीकल्स उनमें आजकल एल्यूमिनियम की कास्टिंग आने लगी है तो दिस इज़ अबाउट कास्टिंग सो एल्यूमिनियम के उपयोग आपने देख लिया ऑटोमोबाइल में फिगर के द्वारा इसकी प्रॉपर्टीज है लाइट वेट भार में हल्का होता है एंड डक्टाइल तन्य एवं आघाधवर्धनी होता है इट हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस टू करोजन नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है चुंबकीय गुण है आयरन जो है आप देखते हैं चुंबक से चिपक जाता है एल्यूमिनियम नहीं चिपकेगा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ उच्च तनन सामर्थ्य होती है ऑलमोस्ट सिमिलर टू ये कॉपर होता है बट इट इज चीपर देन द कॉपर इसका उपयोग लाइट वेट होने के कारण सबसे ज़्यादा हम देखते हैं एरोप्लेन में ऑटोमोबाइल पार्ट्स अभी आपने देखा ये डोर है या ये, ये आपकी कास्टिंग है क्योंकि ये वेट को रिड्यूस करते हैं चेसिस है इंजन है कार व्हील्स हैं इन सभी में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है निकल निकल का एक नाम चलता है निकल की पॉलिश ये देखिए आप इसमें पॉलिश दिख रही है आपको ये अलॉय व्हील है उसके ऊपर ये पॉलिश है ये निकल की पॉलिश इसका यूज़ इसमें चलता है क्योंकि इसकी सबसे खासियत गुण जो है वो है करोजन रेसिस्टेंस मेटल जंग नहीं लगती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लोहा चुंबकीय धातु है और प्योर स्टेट में ये ब्रिटल होता है शुद्ध अवस्था में ये भंगुर होता है तो करोजन प्रोटेक्शन के कारण आयरन और स्टील के पार्ट्स में हम इसका जंग से बचाव के लिए उपयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में भी निकल का उपयोग होता है लो पावर ट्यूब्स एंड फोटोसेल्स उसमें एनोड के रूप में इसका उपयोग होता है थर्मोकपल में देखते हैं आप निकल का पेयर बनता है तो उसमें युगल पदार्थ के रूप में लैंप एंड रेडियो इंडस्ट्रीज इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में आप देखते हैं और स्टेनलेस स्टील जो हमने पढ़ा था फेरस में उसमें निकल जो था वो एक अलॉइंग एलिमेंट के रूप में उपयोग में आता है बट आप यदि इन जनरल देखना चाहें तो ये जो पॉलिश है बेसिकली जंग से बचाव के लिए व्हील में और ये निकल की है और महंगी गाड़ियों में यही पॉलिश जो है सिल्वर की भी हो सकती है हाँ आइए हम आगे चलते हैं टिन ये देखिए आपको घंटा दिख रहा है चर्च का या मंदिर का ये टिन का बना हुआ है और इसकी खास बात जो है वही आती है कि इनमें जंग नहीं लगती जंग प्रतिरोधी होते हैं टिन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इनगॉट्स वायर्स फाइल्स एंड सीट्स इस टिन को ईंटों के रूप में तारों के रूप में पन्नी और चादरों के रूप में मिलता है इट इज यूज इन मेकिंग अलॉइस यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स इनका उपयोग जो होता है मिश्र धातु बनाने में टिन से देखा आपने क्या बन रहा था कापर के साथ मिला दिया था तो अपना क्या बन रहा था ब्रांच ब्रॉन्च बन रहा था कापर के साथ मिलाने पर यानी तांबे के साथ मिलाने पर यह कांसा बनाता है बर्तन बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं और इलेक्ट्रिकल गुड्स या विद्युत गुड्स में भी किया जाता है इट इज अ सॉफ्ट मेटल अडेप्टेड टू कोल्ड वर्किंग यानी इसमें आसानी से हम इसको शेप दे सकते हैं कोल्ड वर्किंग के द्वारा जैसे प्रोसेस के नाम है एक्सट्रूजन रोलिंग एंड स्पिनिंग इसमें हम इसका उपयोग इन प्रोसेस से मिला करके कर सकते हैं तो यह था टेन अब आते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम में देखिए खास बात ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बने हुए फ्रेम वगैरह ये देखिए आप ये आपके बेयरिंग्स हैं ये व्हील रिम है जो आपको दिख रहे हैं इसमें भी वही बात है एल्यूमिनियम जैसी ही क्या है खास बात एल्यूमिनियम की लो डेंसिटी लो वेट चूँकि कम घनत्व है तो भार में हल्का होगा इट हैज हाई स्ट्रेंथ टू बेट यानी कम भार में भी ज़्यादा सामर्थ्य इसमें होती है और करोजन रेजिस्टेंस हाई होता है जंग प्रतिरोधी होता है एंड गुड हाई टेम्परेचर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हाई टेम्परेचर पर भी ये बेहतर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देता है इसके जो यूजेज़ हैं इंजेंस बॉक्स एयर फ्रेम्स फॉर एरोप्लेन स्टोरेज टैंक लेडर्स इलेक्ट्रिक ड्रिल्स पावर हैमर इनमें उपयोग में आते हैं भंडारण टैंकों सीढ़ियों विद्युत ट्रिलों सकते हथोड़े टेक्सटाइल और प्रिंटिंग मशीन के पार्ट्स में भी काम में आते हैं या टाइप राइटर कैलकुलेटर फर्नीचर कैमरा बॉडी जो पहले होते थे आजकल तो इनकी जगह पॉलीमर ने ले ली है तो मेटल्स को कॉस्टली होने के कारण और भारी होने के कारण रिप्लेस किया जा रहा है पॉलीमर से क्रोमियम की बात करें अगेन देखिए आप यहाँ पर ये यह जो आपको दिख रही है निकल और मोल्यूबिडियम के साथ शक्तिशाली स्टील मिश्र की साइकिल और मोटरसाइकिल की ट्यूब फ्रेम बनाने में काम आता है ये देखिए आप यहाँ पर जंग प्रतिरोधी होने के कारण इट इज यूज विथ निकल एंड मोल्यूबिडियम क्रोमियम जो है ये जो पॉलिश दिख रही है आपको इसमें निकल और मोलिबिडनियम के साथ हम इसको यूज करते हैं स्टील वाला बाइसिकल और मोटरसाइकिल के फ्रेम्स के ट्यूब्स में स्टेनलेस स्टील में हम क्रोमियम का यूज करते हैं इट इस ब्रिटल इन प्योर स्टेट अवस्था में ये भंगुर है और करोजन रेसिस्टेंस इसकी मेन प्रॉपर्टीज है जंग प्रतिरोधी तो आप देखते थे फेरस में जो हम देखते हैं वो करोजन लगती है जबकि यहाँ पर ये जो मेटल्स आ रहे हैं ये यार करोजन रेसिस्टेंट है वेट में स्टील के कंपेरिजन में ये हल्के हैं सामर्थ्य इनकी स्टील की ज़्यादा होती है इसकी कम होती है बट ये कॉस्टली होते हैं यदि इन जनरल हम समझें तो आइए हम जिंक के बारे में बात करें जिंक इज प्रोड्यूस कमर्शियली एज एनोड शीट स्लैब स्ट्रिप वायर रॉड एंड पाउडर जिंक का व्यावसायिक रूप से एनोड चादर पटीए पत्ती तार रॉड और पाउडर के रूप में उत्पादन होता है इट हैज रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट ये चार सौ उन्नीस दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गल जाता है तो इसका निम्न अपेक्षाकृत निम्न गलनांक है दूसरे मेट मेटर्स के कम्पेरिजन में जन में ऑल्सो इट हैज गुड क्रोजन रेसिस्टेंस उच्च जंग प्रतिरोध है ये कॉपर में सॉल्युबल है तांबे में घुलनी है इसलिए जिंक कांसा बनाता है टिन के साथ मिल करके कांसा बनाता है डकटाइल है मेलिवल है तन्य और अगाधवर्धनी है भंगुर होता है नो इफेक्ट ऑफ वाटर जल का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता इसका यूज जो होता है ये देखिए आप डाई कास्टिंग या स्टैंपिंग जिनके द्वारा ये पार्ट्स बनाए गए हैं इलेक्ट्रोगलवनाइजिंग में ये एनोड के रूप में होता है और जिंक ऑक्साइड के रूप में इसका उपयोग हम पेंट ग्लास सीमेंट मेडिसिन आदि में करते हैं तो ये हमारा जिंक है लेड यहाँ पर आप लेड के, के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैटरीज बैटरीज रखी हुई हैं ये लेड एसिड बैटरीज कहलाती हैं तो लेड का मैक्सिमम यूज़ जो ऑटोमोबाइल में है वो बैटरीज के रूप में ही है और आजकल तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से इनका यूज़ और बढ़ गया है सोलड so, प्रॉपर्टी आपने देखा था जिंक जो है क्रोमियम जो जिंक क्रोमियम वगैरह हम क्या देखा था आपने लो वेट लो डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है हाई डेंसिटी हाई वेट तो उच्च घनत्व कारण ये भारी होते हैं सॉफ्ट और मेलिबल होते हैं नम्र और अगध वर्धनीय लो मेल्टिंग पॉइंट एंड स्ट्रेंथ इनकी सामर्थ्य और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही निम्न होते हैं दे हैव लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी स्नेह गुण होते हैं इनमें क्रोजन रेसिस्टेंस हाई होता है इनका और कोफिशेंट ऑफ एक्सपांशन भी हाई होता है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता इनकी लो होती है तो इसका जो लेड ऑटोवेल के रेफरेंस में बात करें तो बैटरी भंडारण या स्टोरेज बैटरीज में किया जाता है पाइप एंड ड्रेनेज फिटिंग है टैंक लाइनिंग फॉर करोजन प्रोटेक्शन है बेरिंग मेटल्स बनते हैं और पेंट इनमें लेड का उपयोग हम किया जाता है सिल्वर की यदि हम बात करें तो ये आप जो देख रहे हैं इस व्हील में अलॉय व्हील में ये जो पॉलिश है जो मैंने बताया था

ए जी टू सी टू एंड टू ओ टू यह एक्सप्लोसिव के रूप में या विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है कई क्रीम साइंटमेंट्स और मेडिक्लिनल परकज में भी इनका उपयोग किया जाता है कीम मरहम और दवाओं में भी टाइटेनियम का देखिए अब आप जो आप बी या जो करोड़ों की कीमत की गाड़ियाँ आती हैं उसमें देखिए है ये बाल्व है ये कॉस्टली होता है मेटल बस इसकी बात यह है यहाँ पर ये क्रोम पॉलिस है जो आप देख रहे हैं प्लेटेनियम है टाइटेनियम लो डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू स्टील स्टील की तुलना में इसका घनत्व कम होता है तो कम हल कम भारी होता है बट स्ट्रेंथ स्टील के बराबर देता है और स्टील में जंग लगती जब है जबकि ये हाईली क्रोजन रसिस्टेंस है और स्टील की तरह ये 1670 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है 1600 सौ के ऊपर ही मतलब स्टील की तुलना में है एडवांटेज है कि वेट कम है क्रोजन नहीं लगता है और साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी वही है तो इसलिए इसको उपयोग हम स्टील को रिप्लेस कर सकते हैं बट कीमत इसकी स्टील इस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है तो महंगे ऑटोमोबाइल में इसका उपयोग जैसे हम देख रहे हैं आई सी इंजिन के बल्बस में या एरोपेस के पार्ट्स में रेसिंग कार्स मोटरसाइकिल बाइसिकल जो रेसिंग वाली होती हैं जिनकी कीमत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम करते हैं पाइप वर्क और हीट एक्सचेंजर केमिकल प्लांट में हम इनका उपयोग करते हैं दिस इज़ टाइटेनियम टी आई प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम सोने से ज़्यादा महंगा है पीटी प्लेटिनम इज मोर एक्सपेंसिव देन द गोल्ड प्लेटिनम सोने से महंगा होता है इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में देखें तो ये टिप इन स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग ये आप देख रहे हैं फिगर है यहाँ पर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये कापर कोर सेंटर इलेक्ट्रोड है और ये जो टिप बनी हुई है ये प्लेटिनम या एरेडियम की होती है स्पार्क प्लग में तो इसका उपयोग हम प्लेटिनम का हम देखें तो इसका उपयोग जो होता है टिप के रूप में होता है स्पार्क प्लग में यूज इन करोजन रेसिस्टेंस कोटिंग एंड एज अ कैटलिस्ट फॉर केमिकल रिएक्शंस जंग प्रतिरोधी कोटिंग एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में उपयोगी होता है प्लेटिनम और इसका उपयोग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइन ज्वेलरी यानी प्रयोगशाला के उपकरणों चिकित्सा तो उपकरणों एवं महीन गहनों में इसका उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार से हमारे जो थे नॉन फेरस मेटल्स उसमें हमने जाना आज की किस क्लास में कॉपर के बारे में एल्यूमिनियम निकल टिन मैग्नीशियम क्रोमियम जिंक लेट सिल्वर टाइटेनियम प्लेटनीयम कॉपर के अलॉयज भी हमने देखे हैं जो कि ऑलमोस्ट इन्हीं से मिलकर के बनते हैं जैसे कॉपर में क्या मिला निकल है टिन है क्रोमियम है जिंक है तो लाइक दिस तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे एनलिस्ट वेरियस फेरस वालास्ट तो आप बता सकते हैं कौन कौन से फेरस हैं उनको केवल सूचीबद्ध करना है आपको ब्रास ब्रांच और गन मेटल इनमें कंस्ट्यूट्स लिखना है जो भी आपके मेटल्स हैं जो भी घटक हैं इनके उनको प्रतिशत में लिखना है कि ब्रास में सेवेंटी परसेंट कापर होता है थर्टी परसेंट आपका क्या होता है सेवेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट ठीक है ना सेवेंटी परसेंट कापर थर्टी परसेंट तो इस प्रकार से आप ब्रास ब्रांच और गन मेटल के बारे में परसेंटेज लिखें जो एग्जाम में आते हैं राइट द नेम्स ऑफ नॉन फेरस मेटेर यूज फॉर ऑटोबाइल एलिमेंट्स बॉक्स केसिंग रेडिएटर बैटरी बिल है ना सो so, इसमें आप ऑटोबाइल के अवयवों गियरबॉक्स आवरण के बैटरी वाले के कौन कौन से नॉन फेरस यूज करते हैं उनके आपको नाम लिखना है तो इन असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट कर लेगे तो सजेस्टेड रीडिंग्स में जो हमारी इंजीनियरिंग मेटोलॉर्जी है पदार्थ प्रौद्योगिकी है मटेरियल साइंस एंड प्रोसेस है इन्हीं बुक्स की मदद से आपको सारा लिटरेचर मिल जाएगा इसके अलावा आप इंटरनेट पर यूट्यूब या गूगल पर जाकर के पी के फॉर्म में स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टूडेज़ क्लास थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो